जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का गुणा एवं भाग करना। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, एकदम आसान तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा दशमलव संख्याओं का गुणा एवं भाग करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको दिया है 3.5 का गुणा करना है 7.3 में। तो देखिए, सभी आपको दशमलव संख्याओं का गुणा करना हो तो आप दशमलव को इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे कुछ समय के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, दशमलव को आप भूल जाएगी, यहाँ पे दशमलव है तो आप इसको क्या कहेंगे, 35 × 73 कहिए सीधी सीधी। अभी दशमलव को आप भूल जाइए, इग्नोर कर दीजिए, तो आप सीधा संबल सा गुणा जिस प्रकार से करते हैं उस प्रकार से गुणा कर दीजिए। 35 में आपको गुणा करना है किससे, 73 से, ठीक है। साधारण गुणा का नियम क्या है, आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो इसकी ट्रिक भी होती है जो कि हम आपको बाद में बताएंगे, आप गुणा करने की ट्रिक वाली वीडियो में, अभी हम आपको इसको साधारण गुणा की भांति गुणा करते हैं। तो गुणा करने का नियम क्या है, सबसे पहली संख्या से इसमें गुणा करेंगे, पहली इकाई में, फिर इसमें। तो देखिए, 3 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, ठीक है। 3 × 5 = 5 हासिल 1, 3 × 3 = 9 और 1 हासिल का 10, ठीक है। अब इस 7 का इन दोनों संख्याओं बारी बारी से गुणा करेंगे, इधर से एक अंक छोड़ देंगे और फिर लिखेंगे, तो 7 × 5 = 5 हासिल में यहाँ 3 हो जाएगा, 7 × 3 = 21 और 3 = 24 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं साधारण गुणा में, तो उसी प्रकार से इसको गुणा कर लीजिए। तो 5 5 यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 5 और ये 2 × 5, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिए, अब यहाँ पर देखिए दशमलव कितनी अंक के बाद था, इकाई के अंक से देखिए, यानी कि सीधे हाथ की तरफ से देखिए कि दोनों संख्याओं में दशमलव कितने कितने अंकों के बाद था। यहाँ पर देखिए दशमलव 1 अंक बाद था, यहाँ पर 0.1 अंक बाद था, यानी कि टोटल 1 और 2 अंक के बाद दशमलव अब आएगा गुणा के बाद। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, ठीक है, यह आपका सही उत्तर होगा। अभी चलिए हम और आपको प्रश्न बताते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, समझ में आया तो चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग समझते हैं। देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा संख्या दिया है, इसको आपको गुणा करना है, ठीक है, गुणा करना है। तो ये दशमलव में दिया गया है तो आपको उस देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, उसके बाद से हम बताएंगे कि किस प्रकार से दशमलव हम लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो भी संख्या दिया गया उसको आप गुणा करिए साधारण गुणा की जैसे। तो यहाँ दिया है 663, उसके बाद 233, इसका आपस में आप गुणा करिए। तो गुणा किस प्रकार से करते हैं, अब देखिए 3 अंक है तो सबसे पहले अंक का इकाई की ओर से अंक उठाएंगे और इसका बारी बारी से इन तीनों अंक में गुणा करेंगे। तो 3 × 3 = 9, इस 3 का इसमें गुणा होगा, 6 × 3 = 18 हासिल 1, 6 × 3 = 18 और 1 हासिल वाला जुड़ जाएगा 19। उसके बाद से इकाई की तरफ से एक अंक छोड़ देते हैं, तो इसका आप दूसरे वाले अंक उठाएंगे और इनका आपस में गुणा करेंगे बारी बारी से, 3 × 3 = 9, ठीक है, 6 × 3 = 18 हासिल 1, 6 × 3 = 19। अब तीसरा अंक उठाएंगे तो यहाँ इधर से हम 2 अंक छोड़ देंगे, ठीक है, 2 अंक छोड़ दिए। अब देखिए 2 × 3 = 6 6 × 12 = 2 हासिल 1, 6 × 12 = 1 हासिल का 13। आप इसमें इनको जोड़ देंगे, ठीक है, जोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए 9 8 8 16 1 17 7 1, ठीक, 9 9 18 18 6 24 4 कैरी 2, 9 1 10 और 2 12 2 14 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5 और यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ हमारा साधारण गुणा हो गया, उसके बाद से हमें दशमलव किस प्रकार से बैठाना है। तो देखिए, यहाँ पे देखिए इकाई के अंक से 1 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पे इकाई के अंक के 2 अंक बाद दशमलव, टोटल मिला के 1 और 2 3 अंक के बाद दशमलव है। तो यहाँ से इकाई के अंक की तरफ से सीधे हाथ की तरफ से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, तो 1 2 3, तो यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को दशमलव का गुणा समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दशमलव का भाग किस प्रकार से बनाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर दिया है 7.5 भाग है, उसके बाद से 1.5 है। तो भाग बनाने के लिए आपको दशमलव को कुछ देर के लिए नहीं भूलना है, इसको आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहली संख्या को ऊपर लिखना है और उसके बाद भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह के बाद की संख्या को नीचे लिखना है, क्योंकि भाग का मतलब होता है बटा, तो इस भाग को हम बटा लगा देंगे और इस संख्या को नीचे लिख देंगे 1.5। अब देखिए, भाग का एक नियम है कि आप ऊपर में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो नीचे में भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दशमलव, ठीक है, दशमलव 1 अंक के बाद है, यहाँ पे भी दशमलव 1 अंक के बाद है, तो यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए कितना बच गया, यहाँ पे बचा कितना आपका 15 और यहाँ ऊपर बचा 75, तो 15 और 75 को आप तो इस तरह से भाग दे देंगे 15 से, तो 15 × 15 = 75 यहाँ 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग बनाते हैं। देखिए, और भी प्रश्नों को करते हैं ताकि आप लोग को आसान तरीके से समझ में आ जाए।
देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न दिया है 6.25 भाग का चिन्ह है, उसके बाद 2.5, तो इसको भाग लगाने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले इसको लिखेंगे 6.25, ठीक, भाग के चिन्ह को बटा बना दीजिए, 2.5 को यहाँ लिख लीजिए। हमने आपको बताया कि जब ऊपर में संख्या होगी तो उसमें आपको दशमलव देखना है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव है या नीचे में 1 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ समझिएगा आप लोग, कि यहाँ पर अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो हमें 1 जीरो की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2.50 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से दशमलव को हटा देंगे, ठीक है। अब यह दशमलव हट जाएगा, तो अब इसको आप साधारण भाग जैसे भाग दे दीजिएगा। तो देखिए यहाँ से आप काटिए इसको, कितनी बार में कट जाएगा, देखिए हम 25 से इसको भाग देते हैं, ठीक है। 25 से इसको हम भाग देंगे, यहाँ पर जीरो का भी भूल जाइए, देखिए 25 से भाग देंगे तो 25 का भाग 25 में देंगे तो 25 बार में 625 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका, देखिए 25/10, ठीक है। अब इसको आप भाग दीजिएगा फिर से, कितनी आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 2.5 जो होगा इसका सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को दशमलव का भाग भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लिक जय हिंद, वंदे मातरम।